शहर में दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और उनके साथ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता माननीय संजय सिंह जी साथ में आए हुए उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद और युवा नेता माननीय राघव चड्ढा जी और दिल्ली की मंत्री महोदया माननीय आशीषी जी आज यहाँ मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी को और उनके साथ हम सभी उनके सहयोगियों को आज केजरीवाल जी के और मान साहब के नेतृत्व में यहाँ मुलाकात हुई और देश की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा शीर्ष नेतृत्व ने की और खास करके वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो पांच बेंच की खंडपीठ जो फाइव मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो पिछले आठ वर्षों से दिल्ली सरकार की याचिका पर गंभीर तरह से सुनवाई के बाद अपने जजमेंट को पिछले दिनों में उन्होंने जो आप हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया उसमें 5-0 के जजमेंट के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार की जो याचिका है उसको मंजूर किया और जो दिल्ली सरकार अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरे मुद्दे होते हैं जिसमें दिल्ली सरकार को स्वायत्ता होनी चाहिए अधिकार होना चाहिए क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रीजन है मगर वहां की विधानसभा है और वहां के सरकार मुख्यमंत्री महोदय के चुने हुए मुख्यमंत्री महोदय के अधीन काम करती है तो उनको सारे अधिकार जो मिलने चाहिए एक राज्य सरकार के खास करके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया लेकिन उसके पश्चात केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को एक नए कानून का स्वरूप देने का काम किया और वो ऑर्डिनेंस स्वाभाविक है कि ऑर्डिनेंस तब तक ही लागू रहता है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में संसद में उसको पारित नहीं किया जाता है तो आने वाले लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र शुरू होगा तो ये ऑर्डिनेंस भी वहां पर बिल के द्वारा कानून के द्वारा वहां पर पार्लियामेंट में प्रेषित होगा और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों को फिर उस पर मतदान करने का और बहस और मतदान करने का अधिकार रहेगा तो इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ साथ मान साहब ने भी पवार साहब से खास करके आगे आने वाले इस विधेयक के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इसमें एकजुटता और एकता दिखाकर इस बिल का मुकाबला करना चाहिए सरकार की जो नीति है जिसके वजह से एक गलत एक परंपरा की शुरुआत हो रही है जहां एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना जा रहा है और जो इनके आने के पूर्व जो सरकार थी जिसको कभी इस तरह का कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन आज केंद्र और राज्य के बीच में जो संघर्ष के वजह से दिल्ली के प्रशासन पर बहुत उसका विपरीत परिणाम हो रहा है तो उन्होंने पवार साहब को गुजारिश की एनसीपी के नेता के नाते भी और साथ साथ में देश के वरिष्ठ
राजनेता के नाते कि उन्होंने भी इस मामले में एक मत बनाने की पूरे विपक्षी दलों में कोशिश करना चाहिए ताकि ये बिल को वहां पर खास करके राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा की तो संख्या सभी को मालूम है लेकिन राज्यसभा में संख्या किसी का भी स्पष्ट बहुमत नहीं बनता है और सभी विपक्षी दलों ने, सरकार के बाहर वाले विपक्षी दलों ने एक होकर अगर मतदान किया तो उसका जरूर फायदा हो सकता है। तो ये बात आज मुख्यमंत्री महोदय ने पवार साहब के सामने रखी, तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बात पार्टी की बात वही करेंगे। मैं पुनश्च राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, पवार साहब की ओर से, मैं अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान साहब का और बाकी राजनीतिक के अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शरद पवार जी का और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं, भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनके पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसेज की अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली। 2015 से लेके 23 मई 2015, अब मई 2023 हो गया, 8 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली के लोग काट रहे थे। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50 संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 50 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया, लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र की एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक 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 पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना देती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के धमका के पार्टी को तोड़ के, सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, पैसों के द्वारा तोड़ के एमएलए को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है।
कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। देश, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के, खरीद के, अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा, फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल साहब और एनसीपी के नेता और देश के बड़े नेताओं में जिनका शुमार हो रहा है, माननीय शरद पवार जी, मेरी पार्टी के राज्यसभा के साथी सभी मीडिया वाले साथी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया है। मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन अगर अंदर एक झात अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी कुछ डे बाय डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, चाहे वो मीडिया के जरिए करवा रहे हो, चाहे वो किसी को एमएलए को तोड़ के खरीद के करवा रहे हो, चाहे किसी को गिरफ्तार करके ईडी सीबीआई की तरफ से करवा रहे हो। जो गवर्नर हैं देश में वो स्टार कंपेनर बन चुके हैं बीजेपी के, और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस बन चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार काम किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। अगर कोई गवर्नर कहता है जी मैं 3 दिन तक नहीं करवाया, तो उसकी गवर्नरी भी खतरे में हो जाती है कि आपको किस चीज के लिए करवाया था। तो ऐसा चल रहा है दिल्ली में, तो चलो LG को इन्होंने सरकार घोषित कर रखा है, तंग करना है। पंजाब में सिर्फ कुछ स्टेट, हमें अपना बजट सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। गवर्नर जो है वो कह रहे मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। सो देश में इलेक्टेड राज करेंगे ना सिलेक्टेड राज, सवाल ये है। तो फिर 140 करोड़ जनता जो है वोटिंग के लिए लहंगे क्यों रखती है, क्यों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा जाता है अगर सिर्फ 30-35 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री नहीं देश चलाना है। तो ये बहुत ही खतरनाक है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। हर रोज किसी न किसी तरीके से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे पानी, जो पंजाब है पानी सतलुज हमारे पास ब्यास पानियों के झगड़े हैं, चाहे वो पुलिसिंग, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा एक, मैं तो कहूँगा कि भगवान ने मौका दिया है कि देश प्रेमियों को इकट्ठा होने का, और शरद पवार जी के लिए ये कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश पर इतने संकट देखे और उन संकट में से जब निकलना था तो ये उस कमेटी के या उस सलाहकार जो कमेटी बनती थी उसके मेंबर रहे हैं। बहुत बार देश भर इन्होंने संकट देखा और संकट को इन्होंने टाला भी और संकट से बाहर भी निकाला देश को। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक संकट आ गया है देश पर, इसीलिए शरद पवार जी के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप एक बार फिर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके और इस देश को बचाइए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाइए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को ये
जवाब दे सकेंगे जब डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा था, तो क्या कर रहे थे? कम से कम हम ये कह सकें कि हम ट्राई कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे और हम किसी भी माध्यम से इसको रोकना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ पहले से हमारी संस्कृति दोस्तों, आज के जो फेस कॉन्फ्रेंस थी वही इम्पॉर्टेंट फेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि फेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम साथियों के साथ देश के सामने एक समस्या पैदा हुई, तो दिल्ली के और सजा के उपक्रम के रहे अच्छी तरह से ईश्वर दिल्ली का है इसे हम मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पार्लियामेंट के जवाब के वचन में है या नहीं, क्योंकि जो आघात हो रहा है दिल्ली में तो पार्लियामेंट के जवाब के शिष्य पर आघात हो रहा है। देश में प्रजातंत्र में संकट आई हुई सरकार वो राज करेगी, वो डिसीजन देगी या ऑफेंडेड लोगों के थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट को नजरअंदाज करने के प्रयास हो तो उनको कामयाबी मिलेगी, ये समस्या आज सबके सामने है। और हमें ये लगता है कि ये समय और सोसाइटी का आप है कि आपकी नीति क्या है इस पर बहस करने का समय नहीं है। ये समय है प्रजातंत्र बचाने का, से जवाब उसे बरसाने के लिए और आम जनता का वोट लेकर अपनी सरकार बनाने का जो अधिकार है कि आम जनता के वोट देने का अधिकार वो बचाने के लिए है। आज अजीत जी श्रीनिवास साहब यहाँ आए हैं इसे समर्थन मांगने के लिए, और मेरा कहना इतना है मेरी पार्टी के तरफ से, साथियों के तरफ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि वाराणसी की जनता ने जो अजीत जी ने सुझाव दे दिया इसका समर्थन करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तो पूरी तरह से मदद करेगी, मगर अभी मैं सोच रहा था कि अभी जो उन्हें पार्लियामेंट असेंबली में आकर छप्पन साल हो गए इससे केयर करती रहती, और इससे ही छप्पन साल का एक फायदा होता है कि देश के कौन से भी राज्य में जाए वहाँ कोई नेता हो, पार्लियामेंट का मेम्बर हो, राज्यसभा का मेम्बर हो, उनसे कुछ न कुछ व्यक्तिगत जिससे कई सालों से फायदा हुए, कई लोगों के साथ मैंने काम किया, और इससे सवाल दिल्ली का या आपका नहीं, ये सवाल देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट को राज कराने का जो अधिकार लोगों ने दिया है इस पर हमने हो रहा है तो इससे बचाने का सवाल है। और इससे मेरे तरफ से साथी के तरफ से तो आपको साथ मिलेगी, तो अन्य राज्यों में जहाँ जाकर मुद्दे पर नहीं बनाया है आपका बनाया या नहीं बनाया इसके कोई गया नहीं, और मेरी सोच ऐसी है कि नॉन रिलीजियस जिससे पोलिटिकल पार्टी है इन पोलिटिकल पार्टी जो नॉन रिलीजियस है उनके साथ बात करके उनको कन्विंस करने के लिए सुझाव देंगे, और इनका सहयोग अरविंद जी को मिलेगा इस पर ध्यान देना हमारा फर्ज है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजू जनता हो। अरविंद जी, अरविंद जी, एक बात यह है कि आप दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं और कांग्रेस के प्रति आपका रुझान नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके की आप महाराष्ट्र में आए, शिवसेना से मिले, एनसीपी से मिले, क्या कांग्रेस को आप मनाने या साथ में लेने का कोई विचार नहीं आपके? और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे और ओवरऑल देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है उस पर चर्चा करने के लिए कल सुबह उनसे फॉर्मली टाइम मांगूंगा। एक सवाल यह है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र
लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा पे अपोजिशन खिलाफ जा रहा है और अब बीजेपी के बड़े नेता और अलग अलग जगहों के सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में उसके इनॉग्रेशन में न जाना, यानी अपोजिशन संविधान को नहीं मानता है। इसमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, हम लोग उसी बिल्डिंग में पार्लियामेंट में जाते हैं। दुनिया के लोग जब टीवी विजिट करते हैं तब जैसे राष्ट्रपति भवन देखते हैं, ऐसे खुदा भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में देखते हैं और वहाँ किसी ने कुछ आपको नहीं किया। अच्छी तरह से न्याय माना है कि प्रधानमंत्री की बात का हम लोगों को किसी को मालूम नहीं दे कि इसकी आवश्यकता क्या थी, ईश्वर में भैंस हो सकता है। तो ये ईश्वर आज हम यहाँ निकलना नहीं चाहते, पार्लियामेंट से जब मौका मिलेगा तो वहाँ जरूर बात करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जहाँ आप लोग साथ आ रहे हैं वहीं कांग्रेस के जो नेता है मणिकम टैगोर जी वो ट्वीट करते और कहते हैं कि 24% जो है सीएजीएस के सर्वे में सामने आता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, कांग्रेस से भी समर्थन मांगते हैं, ऐसे लोगों का प्रोजेक्ट करना उसको आप किसी तरह दोनों से जवाब नहीं। अभी तक किसी को प्रोजेक्ट करना या नहीं करना इस पर बात नहीं होगी। हम इतना ही सोचते हैं कि भाई इस प्रोसेस ऑफ डायलॉग ये शुरू करना चाहिए, नॉन बीजेपी पार्टी मिलकर इस देश के सामने एक स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट देने के लिए आगे हो सकता है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो करने की आवश्यकता है, मगर इस पर न हमने अरविंद जी से बात की न कांग्रेस से बात की। जब समय आएगा तो जरूर बात करेंगे कि अगर हम सबके मन में से किस तरह से ज्यादा प्रायोरिटी क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना की तरफ से आता है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से आता है कि हम 18 सीटों को लेकर पहले से ही अपना दावा कर रहे हैं, 2 सीटों को लेकर एनसीपी का अपना रुख है। तो जो बातचीत का प्रोसेस इसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं पर एक म्यूचुअल ग्राउंड बनता हुआ यहाँ पर तो नजर नहीं आ रहा, इससे यह सवाल राजनीति है। यहाँ से ठीक रास्ता निकलेगा।